तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, और हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था लास्ट पीरियड में या फिर लास्ट क्लास में, पिछले पीरियड में, वो ये था कि किस तरह से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम को क्रैक करेंगे। उसमें हमने काफ़ी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस किया था कि यदि एक पार्टिकल को स्पीड यू से एट एन एंगल ऑफ थीटा फेंका जाए और ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बन रही है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी पार्टिकल की, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, ये सारा कुछ हमारा डिस्कशन हो रहा था। अब उसी के बेसिस पे हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, और प्रॉब्लम हमने देखा था कि एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, और मतलब वो आईआईटी के लिए वैसे ड्यू बनता है कि आईआईटी में वैसे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था उसी कंसेप्ट को लेकर के, उस प्रॉब्लम्स के अप्रोच को लेकर के, और उस प्रॉब्लम्स के जो हमने डेरिवेशन करे थे उसको लेकर के, जिसमें ये था कि वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के ऊपर बात हो रही थी, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को कंपैरिजन करके कॉम्प्रिहेंशन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ये आप रिकॉल करें इस चीज़ को। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने उसी प्रॉब्लम को एक डिफरेंट अप्रोच से भी सॉल्व किया था, अल्टरनेट अप्रोच से सॉल्व किया था। हमने यही बात कही थी आपको कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कई अप्रोच यूज कर सकते हैं, और जब भी अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको यही काम करना है कि जितने अप्रोच किसी प्रॉब्लम के लिए हो सकते हैं उन प्रॉब्लम के ऊपर, उन अप्रोच के ऊपर सोचा जाए, उन अप्रोच के ऊपर सोचा जाए, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के दो प्रॉब्लम को तो हमने क्रैक कर लिया था अल्टरनेट अप्रोच से, और थर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको कहा था कि वो आप खुद से अटेम्प्ट लेना। अभी मैं पहले उसी थर्ड प्रॉब्लम को क्रैक करूँगा और उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द अल्टरनेट अप्रोच, किस तरह से और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करी जा सकती है, थर्ड पार्ट को, कॉम्प्रिहेंशन के थर्ड प्रॉब्लम को। तो मैं ये आप लोग पैकेज अपना निकालें, फिर से स्टडी मटेरियल आप निकालिए, और स्टडी मटेरियल के अंदर जो आपका पेज नंबर 13 है, देखिए आप लोग पेज नंबर 13, वही सेम कॉम्प्रिहेंशन है पेज नंबर 13 का। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन आईआईटी में पूछे जाते हैं, तो पेज नंबर 13 की जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें टाइप टू जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप है उसका थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अल्टरनेट अप्रोच से कॉम्प्रिहेंशन टाइप में पेज नंबर 13 का। देखिएगा आप लोग पेज नंबर 13, पी के, पी फॉर फिजिक्स, के फॉर काइनेमेटिक्स, पी के 13। इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंशन टाइप में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड प्रॉब्लम। एक बार फिर से हम लोग प्रॉब्लम को फॉलो करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कह रहा है बच्चों कि पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विथ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन अल्फा डायरेक्टेड अलॉन्ग द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। यही था कि ये था आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और अल्फा जो एक्सलेशन है निगेटिव वाई एक्सिस में, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपकी दे रखी है वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो कि दिखने से बिल्कुल लग रहा है कि पाथ पैराबोलिक है। तो पाथ यहाँ पे पैराबोलिक है, जहाँ पे ए और बी एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें थर्ड पार्ट ये कह रहा है आपका, हमने पहला दो पार्ट भी डिस्कस किया था कि अल्टरनेट अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट कहा जा रहा है कि पोजीशन वाई की निकालनी है जब वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस जीरो हो जाए, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, और वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस कहाँ पर जीरो होती है, कई बार हमने डिस्कस कर रखा है, वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे जीरो तभी होगी जब उस डायरेक्शन में पार्टिकल अपना पाथ रिवर्स करे। समझने वाली बात है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल अपना पाथ कब रिवर्स करेगा, जब उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए उस पोजीशन पे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है फिर लौट के आ रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ध्यान दीजिए मैं पीछे भी बताया था, ऐसे गया पार्टिकल फिर लौट के आया वहीं पर एक्स में, तो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है।
एक्स में तो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है पार्टिकल, तो हम लोग कहेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो हो जाएगा। पीछे भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। अब यहाँ पे वी वाई जीरो, तो हमें यही निकालना है कि ये बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट इस समय कितनी होगी। अब इस चीज़ को कैसे करेंगे, अल्टरनेट अप्रोच से। इसमें हमें क्या करना है कि हमें इक्वेशन दे रखा है वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर का, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर का। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ डी वाई बाई डी टी, जो कि वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस है, आपको पता है इस बात का। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ए इंटू डी एक्स बाई डी टी, एक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, देख रहा होगा आप लोगों को। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो क्या आपके पास आया, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू ए वी एक्स माइनस टू बी एक्स वी एक्स, जिसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ a माइनस टू बी एक्स इंटू वी एक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम ये कर रहा है कि y तब निकालना है जब वी वाई जीरो हो जाए। तो मैं सपोज वी वाई को जीरो कर देता हूँ, तो वी वाई जीरो करने का मतलब क्या है कि a माइनस टू बी एक्स इंटू वी एक्स इक्वल टू जीरो होना। और आपको ये पता है कि वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस यहाँ पे जीरो नहीं है, वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस कहीं पे भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब a माइनस टू बी एक्स से जीरो होगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं, यदि वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस जीरो नहीं है तो a माइनस टू बी एक्स से जीरो होगा। तो इससे किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, देखिए आप लोग, और x की वैल्यू a बाई टू बी आ गई। सॉल्व करने के बाद हम लोग कहेंगे कि इसका मतलब x इक्वल टू a बाई टू बी पे वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस जीरो हो गई है, x इक्वल टू a बाई टू बी पे वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस जीरो हो गई है। ये मुझे पोजीशन जो मिला x का मिला है, लेकिन निकालना क्या है आपको y। अब ध्यान से सोचिए कि मुझे x तो मिल गया है और हमें निकालना है y। अब आप माइंड थोड़ा सा लगाइए कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। हमें ये पता है बच्चों कि इस पोजीशन x पे वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस जीरो हो गई है। अब मुझे y निकालना है तब जबकि वेलोसिटी जीरो हो, y के अलोंग वी वाई जीरो हो जाए। तो मैं इस चीज को इस एक्सप्रेशन में डाल दूंगा, यदि x की वैल्यू इन दो जगहों पे डाली जाए। ध्यान से देखिए, ये जो x इक्वल टू ए बाई टू बी है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है बच्चों, और मैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू ए बाई टू बी इन दिस इक्वेशन, तो मुझे y मिल जाएगा। इस पोजीशन पे y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी जीरो है, अब इस पोजीशन को मैं यहाँ पे डालूंगा तो मुझे y मिल जाएगा, तो y मिल गया जिसके ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, तो a इंटू ए बाई टू बी माइनस बी इंटू ए बाई टू बी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ए स्क्वायर बाई टू बी माइनस बी ए स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करेंगे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और ए स्क्वायर बाई टू बी माइनस ए स्क्वायर बाई फोर बी, सिंप्लीफाई करेंगे ए स्क्वायर बाई टू बी को कॉमन ले लिया, 1 माइनस वन बाई टू, तो इससे आ गया ए स्क्वायर बाई फोर बी। तो ये y की वो वैल्यू आई जिसमें वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस जीरो हो गई। ध्यान से देखें आप लोग, फिर से समझने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको प्रॉब्लम में पूछा गया है कि हमें वो पोजीशन y की निकालनी है जब वेलोसिटी y के अलोंग जीरो हो जाए। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टिव y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आप करेंगे क्या, आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, उससे वी वाई की वैल्यू आ जाएगी और उस वी वाई को जीरो कर देंगे, इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जैसा कि आपको प्रॉब्लम के अप्रोच करते हुए दिख रहा है। और उसी x को दोबारा से y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर में प्लेस कर देंगे तो उससे मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दीजिए, फिर से स्टेप्स सारे देख लीजिए एक बार जो मैं आपको बताया। स्टेप्स पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अगले स्टेप में वी वाई को जीरो किया, मतलब वी वाई निकालना, और वी वाई को जीरो कर दिया।
इससे मुझे x की वैल्यू निकल गई a बाई टू बी, मतलब इस x इक्वल टू a बाई टू बी पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस जीरो हो जाएगी। अब इस x इक्वल टू a बाई टू बी को हम लोग इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ पे मैं अपना फिंगर घुमा रहा हूँ, जिससे मुझे y की वैल्यू सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर बाई फोर भी आ गई। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को क्रैक किया। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। इस प्रॉब्लम को घर पे जाके बार बार करें ताकि कंसेप्ट्स की पूरी क्लैरिटी हो जाए। और इस प्रॉब्लम को हमने दो अप्रोच से सॉल्व किया है। एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज किया था, फंडामेंटल एक प्रॉब्लम करा था हमने, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम किया था, उसके रिजल्ट को यूज किया, और दूसरे में हमने फंडामेंटल अप्रोच को यूज किया। तो इस तरह से हमने कॉम्प्रिहेंशन वन, जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप में कॉम्प्रिहेंशन एक ही कॉम्प्रिहेंशन है पेज नंबर 13 में, उसको लेकर के हमने पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। राइट बच्चों, तो हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। और आगे हम लोग अब इसी प्रॉब्लम्स के फर्दर, और जो हमने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करा हुआ है उसी के और अप्रोच के ऊपर डिस्कस करेंगे, बच्चों ध्यान देना आप, उसी के रिजल्ट को लेकर के आगे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम था। यदि एक पार्टिकल को स्पीड यू एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फेंका जाए तो उस केस में क्या क्या डिफरेंट रिजल्ट्स आएगा। अब आप लोग सेकंड प्रॉब्लम पे आइए, पेज नंबर 8 के सेकंड प्रॉब्लम पे ध्यान से आइए, उसे पढ़िए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये भी। इस प्रॉब्लम को आप पढ़ें, पेज नंबर 8 का सेकंड प्रॉब्लम जो नीचे में प्रॉब्लम है पढ़िए। देखिए ये मैं हटा देता हूँ, प्रॉब्लम क्या कर रहा है पढ़ें आप। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल को आप जो है स्पीड यू से फेंकी गई है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। राइट बच्चों, अनदर पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मास, मास डिफरेंट है, यहाँ से मास का कोई कंसर्न नहीं, भले ही मास यहाँ पे अलग हो या सेम हो, यहाँ पे मास डिफरेंट होने के बाद, क्योंकि आपने थ्रू आउट डिस्कशन में देखा है कि कहीं पे भी मास एक्चुअली नहीं आया है, आप कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि मास कहीं पे भी नहीं आया है। मास का रोल कब आता है, जब यहाँ पे एयर फ्रिक्शन आ जाता, और एयर फ्रिक्शन के ऊपर अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। थ्रू आउट द प्रॉब्लम एयर फ्रिक्शन को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, इसका अंदाजा पहले भी लगाया जा चुका है कि भाई ये जम्पशन है हमारी कि एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू निगलेक्ट एयर फ्रिक्शन इन ईच प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेमेटिक्स, मतलब प्रॉब्लम में ऑलरेडी यदि साइड नहीं भी है तब भी आपको लेना है कि एयर फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट द बॉडी रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो इसलिए यहाँ पे मास यदि सेम हो या डिफरेंट हो उसका कोई अंतर नहीं आएगा। तो पार्टिकल है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है विथ स्पीड यू एट एन एंगल ऑफ थीटा। राइट बच्चों, अनदर पार्टिकल जो कि डिफरेंट मास का भले ही है कोई बात नहीं, लेकिन सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करी गई है फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, बोथ द पार्टिकल हैज सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। लेट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकेंड पार्टिकल आर T1H1, T2H2। मान लिया जाए एक पार्टिकल, पहला पार्टिकल आपने फेंका, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है और मैक्सिमम हाइट H1 है, ऐसे है। दूसरा पार्टिकल एक और फेंकी गई है जिसकी रेंज सेम है लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग बताई गई, T2 और H2। अब ये बड़ा ही सरप्राइजिंग यहाँ पे है कि आपके माइंड में आएगा कि दोनों पार्टिकल की स्पीड u है तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है U² sin 2θ/g। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रेंज इक्वल टू होती है U² sin 2θ/g। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेंज इक्वल टू U² sin 2θ/g, ये हमने डिस्कस किया था। आप क्या देख रहे हैं, दोनों पार्टिकल को, मैं अभी दोनों पार्टिकल को अलग अलग, मतलब पोजीशन तो वही है, सपोज ये वाले पोजीशन से एक पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका है सपोज, और दूसरे पार्टिकल को आपने, अब आपके माइंड में क्या आएगा कि इसका मतलब दोनों पार्टिकल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल होना चाहिए, रेंज दोनों पार्टिकल की इक्वल है
और स्पीड भी इक्वल है, जी भी इक्वल है, तो आपके माइंड में आएगा कि साइन टू थीटा दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए आप लोग, साइन टू थीटा इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल आपके माइंड में सही आ रहा है। तो साइन टू थीटा इक्वल होगा तभी जबकि एंगल थीटा ऑफ प्रोजेक्शन भी इक्वल आएगा, ये आपके माइंड में आना चाहिए और आ रहा होगा कि डेफिनेटली दोनों की एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल होगी। तो प्रॉब्लम तो भाई ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसका तो इक्वल आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे होता है फॉर्मूला टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी, समझिए बात को, मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ध्यान सुनिए आप लोग, फिर से ध्यान देना आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि दोनों प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रेंज दोनों की इक्वल है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इक्वल है। इसका मतलब दोनों की रेंज तभी इक्वल हो सकती है जबकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी इक्वल, आपके माइंड में ये आ रहा होगा। इसका मतलब यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल ले लिया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों की इक्वल आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट भी इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो प्रॉब्लम में जो पूछा गया है वन आ जाना चाहिए और मैक्सिमम हाइट का रेशियो भी वन आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है इस प्रॉब्लम में, ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। इवन यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट भी हो तब भी दोनों पार्टिकल की रेंज इक्वल हो सकती है बशर्ते स्पीड इक्वल हो। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसको दिमाग में डाल लें, और मैं पहले उस कंसेप्ट को प्रूफ करूँगा फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो लिखिए कंसेप्ट यहाँ पे, देखिए क्या है कंसेप्ट यहाँ पे, देखिए क्या है। इफ लिखिए अब आप लोग, इफ टू पार्टिकल्स हैज द सेम रेंज एंड दे आर प्रोजेक्टेड द सेम स्पीड देन देयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन द सम ऑफ देयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 90 डिग्री। लिखिए फिर से, इफ टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, बोथ हैज द सेम रेंज, बोथ हैज द सेम रेंज बट दे आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन द सम ऑफ देयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी 90 डिग्री। अब इस चीज को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए देखिए आप लोग, मान लिया जाए एक पार्टिकल है जिसको मैंने एंगल थीटा पे फेंका, लेट्स से थीटा वन इक्वल टू थीटा, तो इसकी रेंज आएगी कितनी बच्चों, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब मैं दूसरे पार्टिकल को फेंकता हूं यहां पे 90 माइनस थीटा पे, मतलब थीटा टू यहां पे 90 माइनस थीटा है। अब मैं इसका रेंज निकालता हूं, दोनों की स्पीड इक्वल है तो आर टू विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहां से क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस टू थीटा बाय जी, 180 डिग्री माइनस टू थीटा बाय जी, जिसको जनरली पाई माइनस टू थीटा भी लिखते हैं। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन पाई माइनस ए जो होता है वो साइन ए के इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्री में। इसका मतलब साइन पाई माइनस टू थीटा साइन टू थीटा के इक्वल हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो आपने क्या प्रूफ किया, रेंज आर वन आर टू यहां पे इक्वल आ गई, कब इक्वल आ रही है, देखिए फिर से, दोनों पार्टिकल की स्पीड इक्वल है बट एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो दूसरे का 90 माइनस थीटा है, मतलब थीटा वन इक्वल टू थीटा है, थीटा टू 90 माइनस थीटा है। इसका तो दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री आया है, दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम देख रहे हैं 90 डिग्री है। तो दोनों के यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री हुआ, दोनों की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम हुई, तो डेफिनेटली दोनों पार्टिकल के रेंज इक्वल होगी। ये हमने प्रूफ किया, लिख लीजिए आप लोग, फिर से मैं बताने जा रहा हूं, फिर से देखिए इसको, इफ टू पार्टिकल्स हैज द सेम स्पीड बट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक का थीटा है दूसरे का 90 माइनस थीटा है,
और दोनों की स्पीड भी इक्वल है तो हम लोग कहेंगे दोनों की रेंज भी इक्वल होगी। एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री हो तो रेंज यहाँ पे इक्वल होगी, बशर्ते स्पीड भी इक्वल हो। तो ये कंसेप्ट हमने प्रूव किया है जो काफ़ी काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होगा। तो याद रखें इस कंसेप्ट को। तो हमने पीछे जो बात करी थी कि यदि बोला जाए कि दो पार्टिकल के रेंज इक्वल है, स्पीड भी सेम है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री हो। क्योंकि इस प्रॉब्लम में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल नहीं लेना है हमें, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। लिखा गया बच्चों कि विद द सेम इशू फ्रॉम द सेम बोथ द पार्टिकल्स हैव द सेम रेंज, तो इससे आपको डिड्यूस यही करना है कि यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स की एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे इक्वल नहीं है। यदि इक्वल आपने ले लिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो 1 आ जाएगा और मैक्सिमम हाइट का रेशियो भी 1 आ जाएगा। अब देखिए इसी पेज में हमने कंसेप्ट लिखा हुआ है क्लास डिस्कशन प्रॉब्लम के ऊपर, देखें पेज नंबर 8 में ही जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड कंसर्निंग हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसमें से सेकंड पॉइंट के ऊपर मैं बात किया हूँ कि फॉर अ गिवन वेलोसिटी देर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज द सेम इफ वन ऑफ दीज एंगल इज थीटा, फॉर द गिवन स्पीड देर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज द सेम इफ वन ऑफ दीज एंगल इज थीटा देन द अदर इज पाई बाई टू माइनस थीटा, फॉर द गिवन स्पीड देर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन there are two angle of projection for which the range is the same if one of these angle is theta then the other is 90 minus theta, मतलब एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो दूसरे का 90 माइनस थीटा हो, मतलब दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री हो तो रेंज सेम आएगी, बशर्ते स्पीड इक्वल होनी चाहिए। तो अब तक हमने ये डिस्कस कर लिया, हटा देता हूँ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करता हूँ मैं। जैसे कहा गया आपको कि एक पार्टिकल है जिसको मैंने 30 डिग्री से फेंका है, 30 डिग्री से 10 मीटर पर सेकंड से, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसको मैंने 60 डिग्री से फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों की स्पीड इक्वल है बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यदि इसकी एक रेंज मान लिया जाए R1 होगी और इसकी रेंज R2 होगी तो दोनों रेंज डेफिनेटली इक्वल आएगा, जो आप घर पे न्यूमेरिकली निकाल के देख भी सकते हैं। यहाँ पे रेंज जो R1 आएगी वो आ जाएगी 10 का स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री प्लेस करें तो साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। इसमें जो रेंज R2 आएगा देख सकते हैं 10 का स्क्वायर साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, हेंस दोनों की रेंज इक्वल आ गई, तो ध्यान रखना है। इसी तरह से अब देखिए मां कॉम्बिनेशन एंगल का, देखिए आप लोग यदि एक को मैंने 37 डिग्री पे फेंका है और दूसरे को हमने 53 डिग्री पे फेंका है तो दोनों की रेंज इक्वल आएगी, बशर्ते दोनों की स्पीड भी सेम हो क्योंकि दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को याद रखें, काफी दफे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आता रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने फोकस किया अब तक आप लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को करना आपके लिए बहुत ही आसान है, ये फॉर्मूले भी याद रखें, साइन पाई माइनस ए इक्वल टू साइन ए, साइन पाई माइनस टू थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा, राइट बच्चों लिख लिया होगा आप लोगों ने। जब भी दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री आ जाए और दोनों की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल हो तो हम लोग कहेंगे डेफिनेटली दोनों की रेंज इक्वल आएगी। अब इस प्रॉब्लम पे चलते हैं, हम लोग लिख लिया होगा अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब प्रॉब्लम में हम लोग, अब आसान है प्रॉब्लम, इसका मतलब एक पार्टिकल की स्पीड यू है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, वहीं पे दूसरे पार्टिकल की पॉइंट सेम है, मैं अलग अलग जस्ट दिखा रहा हूँ, 90 माइनस थीटा है, स्पीड यू है। अब कहा गया आपको पहला क्वेश्चन इसमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फॉर्म होता है 2u साइन थीटा बाई जी, तो t1 इज 2u साइन थीटा बाई जी, t2 इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी,
और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सबको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो 2u cos थीटा बाई जी, अब मैं दोनों का रेशियो ले लेता हूँ टी वन बाई टी टू, तो क्या आ जाएगा देख सकते हैं आप लोग, 2u sin थीटा बाई जी इंटू जी अपॉन 2u cos थीटा, दैट मीन्स इट विल कम आउट tan थीटा। इन द सिमिलर वे मैक्सिमम हाइट h1 वन बाई एच टू मैं निकालता हूँ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई टू जी, ये थीटा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। तो इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो आ गया टेन थीटा, मैक्सिमम हाइट का रेशियो टेन स्क्वायर थीटा आ गया। ये भी एक प्रॉब्लम के बढ़िया प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो टिप्स यूज हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो टिप्स को याद रखना है कि भाई कि यदि दो पार्टिकल की रेंज इक्वल है और दोनों की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल है तो इस और डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकती है उसकी, तो एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा तो दूसरे का 90 माइनस थीटा होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया प्रॉब्लम आप लोगों ने। अब आप लोग तब तक थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाइए, अब आप लोग यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम पे आइए। अभी हम लोग पीछे जो हमने रिजल्ट यूज किया था उसी का हम लोग अप्लीकेशन देख रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या कर रहा है, लेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इज एन टाइम्स द हॉरिजॉन्टल रेंज, देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम हाइट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टाइल की एन टाइम्स हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है, एन टाइम्स हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है, हटा देता हूँ ये, एन टाइम्स हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है, एन टाइम्स हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है। तो आपको कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक पार्टिकल को आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है जिससे कि इसकी मैक्सिमम हाइट और ये रेंज के बीच में रिलेशन जो दे रखा है एच इक्वल टू एन आर, यही दे रखा है आपका, देखिए ध्यान से, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इज एन टाइम्स द हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट बच्चों। तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालें, बहुत आसान। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये है, रेंज का ये फॉर्मूला रख दें आप लोग, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी इक्वल टू एन टाइम्स यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, देख सकते हैं आप लोग। अब u square by g कैंसल आउट कर दें, ये आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2n, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा 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 कॉस थीटा। अब अगले स्टेप में लिख सकता हूं, देख सकते हैं ये साइन थीटा एक साइन थीटा कैंसल आउट कर सकते हैं आप लोग। कई दफे क्या करते हैं एक साइड ला करके साइन थीटा है, इस तरह से कई लोग क्या करते हैं कैंसल आउट कर देते हैं। कैंसल आउट करना वैसे मैथमेटिकली मैं कहूंगा कि बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है, बल्कि आप करना क्या चाहिए इसको, यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4n साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, राइट बच्चों। अब मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन लेने से आ जाएगा साइन थीटा माइनस 4n कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब ऑब्वियस बात है साइन थीटा तो जीरो हो नहीं सकती है, इस बात को समझ सकते हैं, साइन थीटा जीरो हो गया तो थीटा तो जीरो हो जाएगा, तो उस केस में कहां से प्रोजेक्ट होगा बताइए आप लोग, तो साइन थीटा तो जीरो हो नहीं सकती है, तो यहां से कहेंगे चूंकि साइन थीटा जीरो नहीं होगा हेंस साइन थीटा माइनस 4n कॉस थीटा ही जीरो होगा, जिसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4n कॉस थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल टू 4n, जिसको इधर मैं ले जाएगा साइन थीटा आप लोग ले जाइएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स 4n। ये लिखने का तरीका है, यदि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो तो आप थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 4n लिख लेते हैं,
लाइक जैसे साइन थीटा इक्वल टू यदि 1/3 है तो थीटा को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3। टेन थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा को लिख सकते हैं आप टेन इनवर्स 2। ये लिखने का तरीका होता है। तो उसी तरह से हमने लिख दिया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4n। अब देखिए ध्यान से, मैं ये साइन थीटा भी कैंसिल आउट कर सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे भी आ जाएगा। बट नॉर्मली करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, मैथमेटिकल वे से देखा जाए थोड़ा सा, तो साइन थीटा इस ओर ला करके साइन थीटा को कॉमन लेंगे और कहेंगे साइन थीटा जीरो नहीं होगा इस प्रॉब्लम में, इसलिए ये क्वांटिटी ही जीरो होगी, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। वो आदत इतनी अच्छी नहीं है जिसमें कि आप साइन थीटा कैंसिल आउट कर दें। राइट बच्चों, तो ये भी एक काफ़ी आसान प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व किया। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, और हम लोग यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब तक हम लोग इसी जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करा था उसी की एप्लीकेशन को डिस्कस करते जा रहे हैं हम लोग, उसी की एप्लीकेशन को हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम पढ़िए आप लोग, क्या है प्रॉब्लम। एक क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मान लो आप एक क्रिकेटर हो और एक बॉल को आपने एट द मोस्ट 100 मीटर आप फेंक सकते हैं। अब कहा जाए आपको कि आपको ही कितना ऊपर तक उसी बॉल को फेंक सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करते हैं, मैं ये हटा रहा हूँ। गलत इंटरप्रेट क्या करते हैं दिमाग में मैं डालता हूँ आपके। लिख लिया होगा अब तक आप लोगों ने। अब गलत इंटरप्रेट क्या करते हैं, कहा गया आपको कि एक बॉल को आपने फेंका है किसी एक स्पीड से किसी एंगल पे, और कहा गया कि यदि आप ऐसे फेंकते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो आपकी मैक्सिमम जा रही है वो 100 मीटर तक, ये आपकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है जो कि एक क्रिकेटर फेंक सकता है, आपकी या किसी भी क्रिकेटर की। ध्यान दीजिएगा, अब कहा गया आपको कि मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब मैक्सिमम हाइट इस प्रॉब्लम में नहीं निकालना है बल्कि आपको उसी बॉल को दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि आप एट द मोस्ट ऊपर तक कितना फेंक के दिखा सकते हो। कई बच्चे ये सोचते हैं कि इसी में मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कई बच्चे ये सोचते हैं इसी का मैक्सिमम हाइट निकालना है। ये नहीं है प्रॉब्लम, ये नहीं है, इस तरह से फेंकने पे जो मैक्सिमम हाइट है वो नहीं निकालना है, बल्कि आपको क्या करना है ध्यान सुनिए। प्रॉब्लम है कि यदि उसी बॉल को आपको दिया जाए और कहा जाए कि आप ये करके दिखाओ कि आप एट द मोस्ट कितना ऊपर फेंक सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऊपर ऐसे फेंकोगे डायरेक्टली। ध्यान से देखिए, तो आपकी मतलब आपकी एक क्रिकेटर की ताकत देखी जा रही है, एक क्रिकेटर की ताकत देखी जा रही है कि वो हॉरिजॉन्टली कितना एट द मोस्ट फेंक सकता है, और यदि उसी बॉल को दिया जाए उसे कि अब तुम वर्टिकली ऊपर कितना तक फेंक के दिखा सकते हो, तो ये चीज है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वही सेम क्रिकेटर उस बॉल को वर्टिकली एट द मोस्ट कितना फेंक सकता है, वही क्रिकेटर उस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक कितना फेंक सकता है। प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं है कि जब क्रिकेटर ऐसे फेंकेगा बॉल को जबकि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज एट द मोस्ट इसकी 100 मीटर आ रही है, तो उस समय के मैक्सिमम हाइट निकालें, प्रॉब्लम ये नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि यदि वही सेम क्रिकेटर उस बॉल को वर्टिकली फेंके तो वो कितना एट द मोस्ट फेंक सकता है, तो आपको ये निकालना है ये चीज के लिए एच डैश। आपको समझ में आ गई होगी बात। अब ध्यान से देखिए, आखिर फिर पहला इंफॉर्मेशन क्यों दिया गया है। पहले इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चल जाएगा कि क्रिकेटर की कितनी ताकत है कि वो एट द मोस्ट कितनी स्पीड दे सकता है, यू की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैं आप लोग इतने सारे बच्चे बैठे हुए हो, मैं सबको एक एक बॉल दे दिया और मैं कहा कि हॉरिजॉन्टली तुम दे फेंक के दिखाओ कितना एट द मोस्ट फेंक सकते हो, तो आप अपनी पूरी ताकत से फेंकेंगे, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के फेंकेंगे, मतलब उस समय आपके द्वारा जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाएगा
वो जो स्पीड उस पार्टिकल की होगी वो आपकी इंडिविजुअल की अपनी एक ताकत को रिप्रेजेंट करेगा और वो आपकी द्वारा मैक्सिमम स्पीड होगी। राइट बच्चों, तो यही बात हो गई कि इससे उस क्रिकेटर की ये पता चल जाएगी कि वो एट द मोस्ट स्पीड कितना दे सकता है बॉल को। ठीक है बच्चों, ये चीज। अब मुझे निकालना एच डैश, और मैंने याद होगा कि इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि यदि कोई बॉल को स्पीड यू से फेंका जाए, अब वर्टिकली एट द मोस्ट कितना जाएगा, तो यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जाकर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, याद कीजिए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में, याद कीजिए ये हमने करा था, और इसमें एच डैश की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाई टू जी। ये आपको निकालना है, और ये कैसे आएगा मैं एक बार फिर से फोकस कर देता हूँ। इसमें तो सीधा लगा देंगे वी स्क्वायर प्लस यू, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई, फाइनल स्पीड इज जीरो, ए यू स्क्वायर माइनस टू जी एच डैश, फिर से एच डैश की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाई टू जी। ये हमने करा था प्रीवियस क्लास में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो आपको ये निकालना है। अब इसमें यू है वो स्पीड क्रिकेटर के जिस मैक्सिमम स्पीड गिवन बाय द क्रिकेटर टू द बॉल, मैक्सिमम स्पीड गिवन बाय द क्रिकेटर टू द बॉल, बॉल को वो कितना मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। ये चीज पहले वाले इंफॉर्मेशन से निकलेगी, ध्यान से सुनने वाली बात है। तो हमारा मेन पर्पस है अभी यहां से यू निकालना। अब ध्यान दीजिए रेंज का फॉर्मूले पे, याद क्योंकि रेंज दे रखा है प्रॉब्लम में, तो रेंज है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यू तो खैर मैक्सिमम है ही जो क्रिकेटर जिससे फेंक रहा है। अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी वेरिएबल है थीटा, थीटा को जैसे जैसे चेंज कराएंगे साइन टू थीटा भी चेंज करेगा। ध्यान से देखिए थीटा को जैसे जैसे चेंज कराएंगे साइन टू थीटा भी चेंज करेगा। ध्यान से देखिए अब वो क्रिकेटर ऐसा करेगा कि भाई थीटा ऐसा रखेगा जिससे साइन टू थीटा के मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, तभी तो रेंज मैक्सिमम होगा। यू तो अपनी वो मैक्सिमम दे रहा है, साथ में साइन टू थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 के इक्वल हो सकती है, और वो तब होती है जब एंगल 90 डिग्री हो। फिर से ध्यान दीजिएगा साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पे ही रेंज मैक्सिमम होगा, और साइन टू थीटा मैक्सिमम तब होगा जब टू थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो। ध्यान दीजिए, तो हम लोग कहेंगे आर विल बी मैक्सिमम, एमएक्स में बार बार लिख रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्हेन साइन टू थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2 एक ही बात है, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाई 4। चूंकि आपको डिग्री और रेडियन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाई 4। डिग्री और रेडियन के रिलेशन को मैंने किसी एक बेसिक क्लास में डिस्कस करा हुआ है, फंडामेंटल क्लास में। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे बॉल को फेंका जाए तब उस केस में रेंज मैक्सिमम होती है, ये याद कर लीजिए आप। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो, जबकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो तब रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 100 मीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है, और ये तब होगी जब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी सबसे ज़्यादा हो और इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो साइन टू थीटा 1 हो गई है, देख सकते हैं मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी होगी, तो यू स्क्वायर बाई जी, इससे आपकी यू की वैल्यू आ गई बच्चों। जी की वैल्यू मैं सपोज 10 ले लेता हूँ, तो रूट ओवर 1000, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, तो यू की वैल्यू आ गई रूट ओवर 1000। अब यहां से प्लेस कर दें इस यू को यहां पे, तो एच डैश आ जाएगा 1000 बाय 2 इंटू 10, दैट मीन्स इट विल कम आउट 50 मीटर। देख सकते हैं 50 मीटर आएगा। फिर से प्रॉब्लम समझने वाली चीज है, इस केस में मैक्सिमम हाइट नहीं पूछी गई यहां पे, ध्यान दीजिए इस
जब ऐसे बॉल को फेंका गया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट नहीं फेंची गई है। पूछा यह गया है कि वही सेम क्रिकेटर उस बॉल को एट द मोस्ट कितना ऊपर तक फेंक सकता है, और जब क्रिकेटर को चैलेंज कर दिया जाएगा तो वो अपनी पूरी ताकत से फेंकेगा, अपनी मैक्सिमम स्पीड से फेंकेगा, और ये वाली मैक्सिमम स्पीड सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे भी उसे मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंक के दिखाना है हॉरिजॉन्टल में, और यहाँ पे एट द मोस्ट ऊपर तक फेंक के दिखाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉब्लम प्रोसीड किया है। ध्यान दीजिए सब लोग, प्रॉब्लम को देखिए, ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देख लीजिए अब आप लोग, राइट बच्चों। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिस पर एक नया टिप्स डेवलप हुआ है, नए कंसेप्ट डेवलप हुए हैं, तो जिसको आप ध्यान से देखें और नोट डाउन करें।